सवाली तेरे हुजूर बारे इलाह बन के सवाली तेरे हुजूर दामन में अपने लाए हैं बे इंतहा हुसूर लेकिन हमारे सीनों पे मातम का देख नूर अपने नबी के सदके में बख्शेगा तू जरूर मेरे मामू देवबंदी उलमा में से है, वो कहते हैं नबी के वसीले से दुआ करनी चाहिए, कबूल होती है, क्या ये सही है? सही बुखारी के अंदर हदीस में आता है, उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर के अंदर, उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर के अंदर कहत हुआ तो वो नबी के चचा को लेकर आए और कहा अल्लाह जब तक नबी जिंदा रहे वो हमसे हमारे लिए दुआ करते थे, अब वो फौत हो गए, आपके पास आए आगे, अब ये उनका चचा है, ये दुआ करते हैं इनकी कबूल फरमा कर हमें बारिश अता फरमा। तो शख्सी वसीले देना ना कुरान में इसकी तालीम है ना नबी की हदीस में इसकी तालीम है। अल्लाह के अस्मा व सिफात का वास्ता दीजिए, अपने नेक अमलों का वास्ता दीजिए, किसी नेक अल्लाह के वली से दुआ करवाइए, ये जो है वास्ता पंचतन पाक का, वास्ता है सदका हुसैन हसन का, ये तमाम चीज़ें इस्लाम के अंदर नाजायज़ हैं, हराम हैं ये तरीका। और अगर किसी के पास जाया जाए और उससे कहा जाए कि आप ही हमारे लिए हमारी सुनता नहीं है और आपकी मोड़ता नहीं, सेम यही अकीदा अबू जहल का था, माना अबुदुहुम इल्ला लियुखर्रिबूना इलल्लाह ज़ुल्फा, हमारी आपकी आगे आपकी उसके आगे, हमारी सुनता नहीं है आपकी मोड़ता नहीं है, तो यही अकीदा मुशरिकीन मक्का का था और यही अकीदा आज के मुशरिक का है। मालिक तुझे इमाम हसन का है वास्ता, जिसके लहू से कर्बला की है इब्तिदा, हाँ उस इमाम अमन के सदके में किबरिया, इस मुल्क में हो अमन का परचम खुला हुआ। हुसैन अलैहिस्सलाम का परवरदिगार सब्र शहे तिश्ना काम का, जिसके लबों पे विर्द था तेरे ही नाम का, खंजर तले जो कारी था तेरे कलाम का। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला बनाकर दुआ करना कैसा है? ये बिल्कुल ठीक, इसमें कोई हर्ज नहीं है, बहुत ठीक है, दीन के मुताबिक बात है। इसको जो खामखा शिरक कहते रहते हैं या कहते हैं गलत है, उनके पास कोई दलील नहीं, वो समझते नहीं। जब वो कहते हैं कि अमल का वसीला दे, अमल का वसीला दे सकता कि मैं जना से बचा था, मैंने मजदूरी दे दी थी, मैंने ये किया था, तो वो तो बहुत छोटे छोटे काम, जब सारा सबसे आला काम का हवाला देता अमल का कि मैं अल्लाह तेरे रसूल को मानता हूँ, ईमान रखता हूँ, उससे मोहब्बत करता हूँ, उनका उम्मती हूँ, इससे बड़ी क्या जमानत है दुआ की कबूलियत की। खुद इब्ने तैमिया इतनी बड़ी किताब लिखते रहे वसीला के रद में, मगर जहाँ जहन जरा मुतवाजन हुआ वहाँ कहा, अगर ये लोग तफैल जब कहते हैं बबरकत कहते हैं तो इनकी मुराद है कि हम हजूर से मोहब्बत करते थे, तो बातें फलाबास, फिर तो इसमें कोई डर नहीं। यही अल्लामा अल्बानी साहब ने शुरू जब रिसाला तौसल का बाद में जोर लगाते रहे, भाई शुरू में क्या लिखा, अगर ये वास्ते का माना ये है कि हम हजूर के उम्मती हैं मोहब्बत, तो ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई हर्ज नहीं। तो एक बात को मसला लिखा, यही मांगता अल्लाह से मांगता, इसका माना ये हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते मुबारका का हवाला या यहाँ बात जो है ना शेख इज़्ज़ुद्दीन बिन अब्दुल सलाम की, वो जरा बदनी है कि हजूर का वास्ता दे लेना चाहिए, कोई बात नहीं है, तो हमारा दीन और ईमान है कि अल्लाह हम तेरे नबी को मानने वाले हैं, उसकी उम्मत हमारा काम कर, यही दुरूद शरीफ है जो हमें कहा जाता है कि अल्लाह की हम करो, बाद में दुरूद शरीफ पढ़ो,
फिर दुआ मांगो। ये दरूद शरीफ जो दरमियान में बताया गया, ये और क्या कि हम ताल्लुकदार करते हैं कि अल्लाह तेरे नबी को मानने वाले, अल्लाह दुआ इसको ना कोई रद्द करे। बड़े बड़े जो है हदीस थे, शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह, इमाम शौकत, सब कहते थे कि ठीक आज ही तशद्दुद शुरू हो गया, वो भी नजदीकियों से आया, ये कोई बात नहीं। डेज हाँ, वो शेख इज़्ज़ुद्दीन ने जो बात की ना, वो कहते हैं हजूर का वास्ता देना ठीक है, मगर आम बुजुर्गों का देना जो है ये कोई नहीं। क्यों? रसूलल्लाह के बारे में तो अगर हम शक करें कि अल्लाह के नबी नहीं, काफिर हो जाएंगे, वो तो दीन की बुनियाद है। मगर इन वलियों का हमारे पास कोई है सबूत के ये वली है? नाराज ना हो, ये हुस्न ज़न है, गुमान है हमारा। वरना रसूलल्लाह ने अपने कई असहाब के बारे में बताया कि यार मैं रसूल अल्लाह के मैं नहीं जानता कि अल्लाह ने इसके साथ क्या करना। ये मामला गैब का, रसूलल्लाह की बात जो है बिल्कुल पक्की यकीनी और कटी है, उसका वास्ता देना बिल्कुल ठीक है। दूसरों का दे हराम नहीं, मगर ये बात मशकूक सी है कि वो वली हैं भी नहीं है, अल्लाह के रसूल का हवाला दे। इसकी वे आम कह दिया करें कि अल्लाह हक के अंबिया का और रसूल का व औलिया का बाद कैसे, वो ठीक है। नाम लेकर ना कहे आपको नहीं पता कोई कि ये वली निकलेगा या मुनाफिक निकलेगा, माजला बुरारी मना दे। दीन की बात है कि किसके बारे में कौन जानता है कि ये वली है या नहीं, ख्याल ही है ना। तो मैंने मसला बयान कर लिया, रसूलल्लाह का वास्ता बिल्कुल ठीक है, इसको नहीं कोई गलत कह सकता। तशफ़ा बिन नबी फकुल अब्दन युगासा तशफ़ा बिन नबी। नवाब साहब लिखते हैं अपनी किताब में कि कई नेक लोग थे ऐसी मुसीबत में फंस गए कि कोई रास्ता नहीं सूझता था, सब ने समझ लिया कि अब मर गए, तो गैब से एक आवाज सुनी जिसका कहने वाला नहीं दिखाई, कि किसने कहा? वो अशार जो है पांच छह, वो किसी वक्त मुझसे डाउट कर रहे, वो अपनी दुआ में रोया करो, वो पढ़ा करो, जब उन एक बंदों ने वो पढ़े मुश्किल हाल हो, और वो लोगों को भी बता गए कि खुदा के बंदो ये अशार ना छोड़ो, जिनमें आखिरी ये है कि उस हादसे गैब ने कहा तशफ़ा बिन नबी, रसूलल्लाह का वास्ता देकर अल्लाह से दुआ कर, फकुल अब्दन क्यों ना भी इस तरह दुआ करेगा, युगासो उसकी फरियाद सुनी जाएगी ज़ात तशफ़ा बिन नबी। जब अब ये कहते हैं कि जना नहीं उस बंदे ने किया, वो वास्ता ठीक है, ये उससे बड़ा वास्ता नहीं अमल का कि मैं अल्लाह के रसूल पर ईमान रखता हूँ, उनसे मोहब्बत रहा, इससे बड़ा अमल को है सराम। तो ये खा मखा की बहस का कोई फायदा नहीं, जो बात जायज हो उसको मानना चाहिए। अब लोग ये भाई अनवर आप सब से यही मुतारबा करके आप यहाँ अहल हदीस बनकर बैठे, फुराम बनकर बैठे, मैं इससे तबर्री का इजहार कर अल्लाह मुझे इससे दूर रखे और इससे बचाए, मैं यहाँ एक मुस्लिम बनकर बैठता हूँ, जो कहूँगा उसकी दलील आप मांग सकते हैं, मुझसे ये कोई ना कह के फलां मसल की बात करो, मसल की हिमायत करे, फिर दीन कहाँ रह गए? तू अपनी रहमतों से मेरा घर निखार दे, सज्जाद का तू सबका परवरदिगार दे, बीमार को शिफा दे, मुकम्मल करार दे। वसीले से क्या मुराद है, वजाहत करें, क्या अइमा बराह रास्त मदद कर सकते हैं? वसीले का माना ये है कि जब अल्लाह फरमाते हैं या जो अल्लादीना आमन कबुल्ला भब कबू इल वसीला, यह ईमान वालों अल्लाह से डरो और अल्लाह का खोजना चाहते हो, अल्लाह से कोई काम कराना चाहते हो तो वसीला ढूंढ के लाओ। हमने वो ढूंढ लिया वसीला जो खुदा ने बनाया था, वो मोहम्मद वाले मोहम्मद है। हम हर काम में कहते हैं या अल्लाह हमारे गुनाह माफ कर, तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का, या अल्लाह हमें औलाद दे, तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का, या अल्लाह हमें जायदाद दे, तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का, हमें दहेज से बरी अता फरमा, तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का, हमें जहन्नम से बचा, तुझे वास्ता मोहम्मद का। अल्लाह एक आयत अल्लाह ही या किसी का मतलब बता कर दूं, गोल गोल बात न रह जाए। आम तौर पर ये लोग ख्याल करते हैं कि अल्लाह ने ये हालत रिज्क मौत हयात निजाम कुदरत सारा महकमा अहलबैत के हवाले कर दिया, अब अल्लाह से क्या मांग रहे हैं? हम तो कहेंगे या अली औलाद दें, या अली ये करें, इसको अकीदे तकवीद कहते हैं। अगर ये हमारे आवाम इस गलती में मुबतला है, क्योंकि इस देश की कमजोरी है कि हकायक लोगों को नहीं बताए गए, इसको तकवीद कहते हैं। पुराने जमाने में ऐसे अकीदे वाले को मुफ्ज़ा कहते थे, आजकल उसको शैफी कहते हैं, और भी उनके कई नाम है। इस्लाम ये कहते हैं कि ये महात्मा खुद अल्लाह के पास है, मालिक भी वही है, राजिक भी वही है, मालिक और पालिक भी वही है, अलबत्त के काम करान हो तो वाकफा इन अर्जियों का दिया जाता है कि जिनकी सिफारिश खुदा का भी रद्द नहीं करती। हर गरज हम हर मकाम पर
अल्लाह से बारगाह में सवाल करते हैं, वास्ता इन हस्तियों को देते हैं ताकि दुनिया को पता चल जाए हम खालिक को मरकज कायनात जानते हैं और इन हस्तियों को मरकज तक पहुंचने का वसीला जो। लिहाजा अगर कोई बंदा कहते हैं जी मरकज कोई नहीं, मरकज तो खाली हो गया, जो कोई था इनके हवाले कर दिया कि अल्लाह फारे। अगर कोई अल्लाह को मरकज कायनात नहीं जानता, खुद मोहम्मद वाले मोहम्मद का खालिक मालिक खालिक नहीं जानता, उनको इमामत का ओहदा अदा करने वाला नहीं मानता, तो माफ रखना वो यहूदी है वो मुसलमान नहीं। और अगर कोई मोहम्मद व आले मोहम्मद को वसीला नहीं जानता वो वहाबी है वो मोमिन कहलाने का हकदार। हम तेरी बारगाह में रब किरदिगार, रोए हैं जो दुआए तवस्सुल में जार जार, सुन ले सदाए सरवर और रेहान एक बार, हम कोई इमाम असर के लश्कर में कर शुमार।